नेक्स्ट शरारत किसकी है? नेक्स्ट शरारत है जी, तुम रैंडमली इतनी शरारत। हां रैंडमली तो मजा आ रहा है। एक तो स्कूल में भी मैं बहुत शरारती था, तो हमारे जो पीटी सर थे, सॉरी सर आली, मैं आज मुराज खोल रहा हूँ, आई लव यू, बट सर अब वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने हमारे लेसेस शूज हर चीज़ बड़ी अप टू डेट, नेल्स ये वो कट। अब मुझे ना एक वेस्ट पहनने से बड़ा शुरू से मुझे एक इरिटेशन होती थी। मैंने कई साल मैं टिश्यू पेपर रख के ना ऐसे जब लाइन में आते थे तो टिश्यू पेपर दिखा के चला जाता था उनको नहीं पता। और मेरे बाकी एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कल कोई ऑर्डर वॉर्डर दिया कि कल स्पेशल चेकिंग होनी है। अब 6-7 मेरे दोस्त किसी की सॉक्स चेंज है, किसी का कूल होते ना वो, अब सबका कोई ना कोई मसला है। तो मैंने कहा यार तुम लोग सब वॉशरूम जाके छुप जाओ, क्या पता चलेगा असेंबली खत्म होगी, तुम लोग क्लास में आ जाना। मैंने कहा ये ठीक है। अब वो एक ही वॉशरूम में 6-7 घुस गए और मैंने जूनियर बच्चे को बुला के कहा जा। अब वो उमर आली किसी को ये पता नहीं है अली के उन वो जो छापा पड़ा था वो उन्हें भेज के जूनियर के थ्रू मैंने सर को भी भेज दिया। हमारी तो असेंबली हुई नहीं, उनकी परेड लग गई। ये दोस्त होते हैं फंसाने वाले, ये छोटी छोटी शरारतें और ये हरकतें, ये दोस्त होते हैं फंसाने वाले। ये ऐसी कई मेमोरीज हैं स्कूल की। अब आप जैसे जैसे बात से बात निकल रही तो वो सब स्कूल एज में ना आपको बच्चे को पता सबसे बड़ा शरारत कौन सी अपनी वो अचीवमेंट फील करता है जब वो बंक करता है, चाहे वो स्कूल हो या ट्यूशन हो, उसको लगता है मैंने कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया। भाई मुझे जिंदगी में पहली बार 5th क्लास में मैं था, स्कूल तो बंक करने की वो नहीं होती थी, ट्यूशन बंक किया मैंने। अगले दिन इस्लामाबाद का पेपर था, मैं अपने आप पे ना मतलब बहुत बड़ा ज़हनी तौर पे मैं तो पास कर लूँगा। तो जो हमारे मंडे को पेपर था और हमारे ट्यूटर ने हमें कहा कि भाई संडे को भी भेजो। अब मैंने यार पूरा हफ्ता पढ़ा यार, इतवार की छुट्टी होती उसमें बुला लिया, सुबह बुलाया, सुबह हमने आदम को सुलाया, आदम में नहीं आ रहा ना, उन्होंने कहा बेटे शाम में फिर आना है, जाओ घर पर तैयारी करो शाम में फिर आना है। अच्छा भाई हमारा बिल्कुल दिल नहीं था, शाम में हम संडे को क्रिकेट खेला करते थे, हम ट्यूशन के लिए निकले घर से और हम चले गए क्रिकेट खेलने। अच्छा हमारे अब्बा ज़िंदगी में कभी हमें ट्यूशन से लेने नहीं आया था, हम खुद जाते थे और खुद आते थे। उस दिन हमारे अब्बा को लगा मेरा बच्चा है इतवार को जा रहा है, सुबह भी गया है आज शाम में भी गया, मैं अपने बच्चे को लेके वापस आता हूँ। अब्बा ने मुझ पे तरस खा के कि मैं बच्चे को लेके जाऊंगा, कुछ खिला वाला दूंगा। इस उम्र में अब्बा ट्यूशन पहुंचे अपने, अब्बा पहुंचे वहां पर, अब्बा ने बजाया हाँ। अच्छा जो हमारे टूटे थे वो मुझे देख रहे, मतलब कि एक कहाँ है और अब अंदर देख रहे वो कहाँ है। मेरे बेटा वो बुलाओ उसको, कह रहे किसको, कह रहे आप ही लाए, कह रहे कौन यार दोनों ने। भाई उसके बाद मेरे ट्यूटर और मेरे अब्बा दोनों हमें ढूंढने निकले। मगरिब हो गई, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेले, क्योंकि बचपन होता है ना मगरिब तक आप खेलते हैं, रोशनी जाती तो फिर आप घर वापस आते। अब मगरिब के टाइम पर अब्बा ट्यूटर हमें पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहे और हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के ना पसीनो पसीन, ये वो बैग भी लटका हुआ है आ रहे। अब वो ट्यूशन जो हमारे ट्यूटर थे वो तो चले गए, अब्बा खड़े थे कहाँ। बस पढ़ के आ रहा हूँ ऊपर पट देखा बेटा तू पढ़ के आ रहा है, अब तुझे तुझे पढ़ेगी असल पढ़ेगी। पहला मेरा बंक था और वो मेरा आखिरी बंक था ट्यूशन का, उसके बाद फिर हिम्मत नहीं ना स्कूल का, तो खैर बंक किया ट्यूशन का तो उफ़।